पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के टिकट वितरण के बाद विरोध और कलह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा को ये तस्वीरें ना तो विचलित करती हैं और ना ही वे इससे परेशान हैं। बीते रोज भोपाल में जब उनके घर के भीतर घुसकर भाजपा के कई नेताओं ने विरोध का ऐलान किया, तब भी बीडी शर्मा मुस्कुरा रहे थे। भोपाल की एक सीट पर उमाशंकर गुप्ता को टिकट दिलाए जाने की मांग के साथ कई कार्यकर्ता यहां घुसकर विरोध कर रहे थे, लेकिन बीडी शर्मा के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। प्रदेश के कई स्थानों पर इसी तरह के विरोध हो रहे हैं, लेकिन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विचलित नहीं हैं, बल्कि इन घटनाओं को सहज रूप से ले रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भोपाल में पत्रकारों से रूबरू हुए तो उन्होंने इन सवालों के जवाब दिए और कहा कि भाजपा इतना बड़ा परिवार है कि यहाँ थोड़ा बहुत विरोध चलता रहता है। उन्होंने कहा कि ये विरोध नहीं, भावनाओं का आवेग है जो कुछ समय बाद निकल जाता है। सुनिए बीडी शर्मा ने यहाँ क्या कहा। आज आज भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश का एक प्रतिनिधि मंडल मध्य प्रदेश के चुनाव आयोग से मिला है और आज इस प्रतिनिधि मंडल में हमारे देश के रेल मंत्री और हमारे प्रदेश के सह प्रभारी आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी और हम लोगों ने मिलकर के माननीय चुनाव आयोग मध्य प्रदेश से अनुरोध किया है कि जो इलेक्शन कमीशन ने देश के अंदर 80 प्लस से ऊपर उम्र के जो मतदाता हैं और दिव्यांग जो मतदाता भाई और बहन हैं, उन सब लोगों को फार्म 12D का जो अधिकार दिया है और इस सुविधा के अंतर्गत उन सभी मतदाताओं को पोस्टल बैलेट का अधिकार जो मिला है, इसलिए हम सब लोगों ने आज आदरणीय अश्विनी जी और हम लोगों ने मिलकर के अपील की है, उनसे अनुरोध किया है, हमने मेमोरेंडम दिया है कि 11,40,000 मतदाता जो 80 प्लस से ऊपर के और दिव्यांग मतदाता हैं, अधिकांश मतदाताओं तक फॉर्म 12D के माध्यम से पहुंच करके उनका मतदान हो, ऐसा हमने आज अनुरोध मेमोरेंडम के माध्यम से मध्य प्रदेश के आदरणीय चुनाव आयोग से हमने किया है। देखिए, इतने बड़े राजनीतिक दल में और जिसकी सरकारें पंच सरपंच से लेकर के प्रधानमंत्री तक, जिसकी 16 राज्यों में सरकारें हों, तो कार्यकर्ताओं के मन के भाव रहते हैं। कभी कार्यकर्ता अपनी भावना व्यक्त करता है, कभी थोड़ा आवेश में आ जाता है। तो ये बहुत कुछ जगह पर कार्यकर्ताओं ने कभी ऐसी प्रतिक्रिया दी होगी, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में संगठन के तंत्र की व्यवस्था में, हमारी कार्य पद्धति में संवाद और कार्यकर्ताओं से बातचीत का स्थान है। कार्यकर्ता बातचीत करते हैं, अपनी मन की बात को वो कहता है। एक आध जगह पर कहीं थोड़ा कभी कोई, जो मैंने कहा कि थोड़ा आवेश में भी कभी कोई कार्यकर्ता बोल देता है, तो उसको आप गुस्सा मत मानिए और ये बगावत नहीं है, ये तो सामान्य बात है। दिग्विजय सिंह या कमलनाथ या कांग्रेस का पूरा नेतृत्व हार के डर से पहले ही ईवीएम पर वो हमेशा यही प्रयास करते हैं कि ईवीएम पर प्रश्न खड़ा करो, क्योंकि चुनाव तो हार ही रहे। तो हार के कारण एक महीने पहले से ही ढूंढने लग गए दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी, ये उनकी हार सुनिश्चित है। इस बात से, उनके इस बयान से, उनके इस ट्वीट से ये साबित होता है। चलिए, धन्यवाद धन्यवाद। चलिए धन्यवाद। दरअसल बीडी शर्मा मध्य प्रदेश भाजपा के सह प्रभारी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ सोमवार को भोपाल में निर्वाचन आयुक्त कार्यालय पहुंचे थे। यहां उन्होंने मध्य प्रदेश के 11 लाख से ज्यादा 80 वर्ष से अधिक आयु वाले बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के मतदान के लिए
पुख्ता इंतजाम करने की मांग उठाई है। तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को प्रदेश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि भाजपा पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है और प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी।